दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ये हमारा पार्ट नंबर थ्री होगा इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और आज के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने प्रैक्टिस मॉक के आर आर पीओ मेन्स मॉक टेस्ट से पिक किए हैं तो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और साथ में आर आर बी ऑफिसर स्किल बन का जो फ्री टेस्ट है वो भी आपका लाइव है और आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस सारे एनालिसिस मिलेंगे और आप कंप्यूटर के सेक्शंस को सबमिट करके उन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं जो भी आपके पास टाइम अभी है तो ये जो फ्री टेस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहां पर कहा गया है कि एथेना इज एन इंटरनेट सेटेलाइट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी टू अन्ब एंड अंडर सब एरिया ठीक है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अथेना जो है वो कौन सी कंपनी की एक इंटरनेट उपग्रह योजना है मतलब कौन सी कंपनी का एक इंटरनेट सेटेलाइट प्रोजेक्ट है तो ये दोस्तों फेसबुक का है ओके okay? आपको जब कभी भी एथेना आएगा नाम तो आपको ध्यान रखना है कि अथेना जो है वो एक इंटरनेट सेटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसको फेसबुक ने बनाया है और ये जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है तो उन एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए फ़ेसबुक के साथ में ये पार्टनरशिप हुई थी और एथेना जो है ये वर्क ऑलरेडी कर रहा है ठीक है ये एक वन फिफ्टी के जी की सेटेलाइट है जिसको मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ ठीक है इसके द्वारा बनाया गया है लेकिन अल्टीमेटली पूरा जो यहां पर मेन नेम होगा वो फेसबुक का ही होगा ठीक है यहां पर बड़ी कंपनीज का नाम पूछा रहा है तो ये फेसबुक के कोलेबोरेशन से बनाया जा रहा है इसमें देखो क्या कहा गया है कि नेम द इंडियन नेम द इंडिया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास मतलब जो आई मद्रास है इसके द्वारा भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसको बनाया गया है उसका नाम क्या है दोस्तों यह है शक्ति ठीक है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे आएंगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा शक्ति जो है वो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंडिया का जिसको दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नो मद्रास जो है आईटी मद्रास इसने बनाया है ठीक है यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस मेक्स अ परसिस्टेंस इमेज ऑफ ग्राफिक्स ऑन टेक्स्ट ऑन अ पेपर देखो यहाँ पर एक आ जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो दोस्तों परसिस्टेंस इमेज ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट ऑन द पेपर करती है वो ऑब्वियसली प्रिंटर होता है जब प्रिंटर पर आप उसके ऊपर आप देखते हो ना कि कोई पासबुक रखती है और वो प्रिंट आउट होकर आ जाती है या फिर हमने किसी फोटो स्टिट कराई तो वो सारी चीजें आपकी जो है प्रिंटर के द्वारा ही होती हैं ठीक है थीके? उसके जो स्थाई छवि बनाता है वो कौन बनाता है प्रिंटर बनाता है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्ड है अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में चीजें मिल जाएंगी और आप इनको भी थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पर आपसे कहा गया है which of the following computer performs intense numerical calculations such as weather forecasting and complex साइंटिफिक कंप्यूटेशन देखो दोस्तों जो मौसम की भविष्यवाणी और जटिल वैज्ञानिक गणना है वो कौन सा कंप्यूटर करता है तो ऑलवेज ध्यान रखना जो साइज में बल्कि होते हैं दैट मीन्स कि सुपर कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर ये सारी चीज़ें करते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारी वेदर फॉरकास्टिंग हो गई और जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं ये इसमें एनर्जी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और आ, टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा इसमें लगता है तो ये सुपर कंप्यूटर टाइप के को करते हैं ठीक है और ये आप थोड़ी सी यहां पर डिटेल पढ़ सकते हैं सुपर कंप्यूटर इज अ अ कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूज रिजिट एंडली इंस्टॉल्ड डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज तो ये दोस्तों होता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं अ हार्ड डिस्क इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिकली चार्ज सरफेस यहाँ पर आप देख लो ये दो तीन पॉइंट जो है बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताते हैं इट यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिटीव डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग प्लेटर्स होते हैं कोटेड विद मैग्नेटिक मेटेल्स ठीक है तो ये कई बार पूछा आपसे जाता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं इसमें लिखा हु अमॉन्ग दीज इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ई डी वी एस सी पहले तो आपसे कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो ई डी वी एस सी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट बेरेबल कंप्यूटर ठीक है तो ये जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे इसका आविष्कार किसने किया था तो ये किया था दोस्तों जॉन मॉस्कले जेपी कार्ड ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यह डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आपसे पूछा आएगा ठीक है कब किया था नाइनटीन फोर्टी फोर में यहां पर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि वाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थी वहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती थी दोस्तों ये ए आई बेस्ड थे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते थे तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ये आपकी यूज़ होती थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं देखो इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है देखो दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं एक आपका रैम होता है एक आपका रोम होता है बाकी हम यहाँ पर इजली कंपेरिजन कर पाएंगे जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है ठीक है देखो यहाँ पर रोम आ गया तो ऑब्वियसली रोम तो होगा ही नहीं क्योंकि रोम तो आता है प्राइमरी मेमोरी में तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है देखो यूएस स्टिक्स डीवीडी मेमोरी कार्ड्स ठीक है ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रोम नहीं है रोम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है ठीक है तो ये आपका राइट right आंसर यहां पर हो जाएगा रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी ठीक है कई बार ये पूछा आता है देखो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फॉगिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन एन ई मेल सो दैट द ई मेल मैसेज एपियर्स टू कम फ्रॉम सम वन अदर देन द एक्चुअल सेंटर क्वेश्चन एक कहा जा रहा है देखो जैसे ए को मैसेज भेजना है बी के पास में ठीक है अब ए वाला बंदा नहीं भेज रहा है कोई यहाँ पर सी ये आ गया थर्ड पार्टी ठीक है इसने हु बहु मैसेज सेंड कर दिया बी के पास में जैसा ए भेजने वाला था तो देखो इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं इस पूरी चीज को हम कहते हैं स्पूफिंग ठीक है अब ये कब होता है आप देखते हो बैंक के फ्रॉड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं बैंक में मेल आता है कि आपका इतने करोड़ का जो इंश्योरेंस है या फिर इतने ये क्लेम आपका पास हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करें और आप अपने अकाउंट ला लें तो ये सारी चीज़ें बैंक तो नहीं भेजता है लेकिन क्या है कि थर्ड पार्टी लोग इस तरीके से हरकत करते हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पूफिंग स्पूफिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है इन विच समन अटैम्प टू यूज अ कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क टू ट्रिक अदर कंप्यूटर ने बाय मेस्क्रडिंग एज अ लेजिट एंटिटी ठीक है मतलब सीधे सी बात समझो कि कोई बंदा आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या फिर कई बार क्या होता है कि आपकी क्रिशल इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है बेवकूफ बनाकर ठीक है फर्जी ई मेल मैसेज डालकर ठीक है एस बी आई की ओर से मैसेज भेज दिया और बल्कि एस बी आई ने नहीं भेजा है इन्फॉमेसन आपके पास आपकी सारी ले ली उसने ठीक तो है तो ये चीज़ें रहती हैं तो कोशिश करें कि जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं उनके ई मेल आई डी को देख कर ही आप किसी भी मैसेज पर क्लिक करें और रिप्लाई करें यहाँ पर क्या कहा गया है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देखो सबकी फुल फॉर्म दी गई है और इनकरेक्ट फुल फॉर्म यहाँ पर पूछिए किसकी है ठीक किस है थीके? देखो ये लिखा है कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये बिल्कुल ठीक है एन आई सी एन ई टी मतलब नेविगेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क ठीक है ये है और इसके बाद क्या लिखा आई एस एच मतलब इंटरनेशनल सब हाईवे फिर लिखा है एम आई सी आर मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉगनीजन रीडर तो ये दोनों ठीक है देखो ये वाले में कन्फ्यूज़न नहीं करा इन्होंने रिकॉग्नीजन और रीडर दोनों रख दिया ये दोनों ठीक है मुझे इन्हीं दोनों में दिक्कत आ रही है ठीक है अब देखो इसमें क्या है कि ऑब्वियसली जो ये नेविगेशन है ये नहीं होता है यहाँ पर होता है नेशनल एन आई सी एन ई टी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क ठीक है तो पहले तो टू वाली गलत थी तीसरी वाली आई एस एच है ये क्या होती है इंटरनेशनल सब हाईवे नहीं होती ये होती है इंटरनेशनल सुपर हाईवे सबकी जगह सुपर होगा तो ये आपकी जो दिख रही है ना सेकेंड और थर्ड ये दोनों में एरर है तो ये वाला राइट आंसर यहां पर होगा ठीक है इसमें कहा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज बाय सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ऑब्वियसली सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते थे दोस्तों हम लोग करते थे ट्रांजिस्टर्स का ठीक है फर्स्ट में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का करते थे सेकेंड में हम लोग ट्रांजिस्टर्स का करते थे फिर बाद में आईसीज वगैरह का कंसेप्ट आया ठीक है तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पर पता होनी चाहिए इस आर्टिकल को आप यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर लो इससे आपको एक दो पॉइंट्स और मिल जाएंगे इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स ऑन द पेज टू मेक अ डॉक्यूमेंट ठीक है मतलब हम लोग किसी दस्तावेज बनाने के लिए टेक्स्ट इमेजेस और ग्राफिक्स की व्यवस्था में कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर फिट आपका बैठेगा देखो दोस्तों पेज ब्रेक है पेज लेआउट है सेक्शन ब्रेक है पेज फैसिलिटी है नन ऑफ दीज है यहां पर राइट आंसर होगा पेज लेआउट देखो पेज लेआउट ही आपके सारे काम करता है टैक्स और ग्राफिक्स इन सबको अरेंज करने के लिए ठीक है तो ये यह आपको यहां पर पता होना चाहिए इसमें कहा गया है कि विच अमोंग द फॉलोइंग मोड इज रिक्वायर्ड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इन द सेम स्टेट इन विच इट वॉज टर्न ऑफ मतलब ये कहा जा रहा है कि आप मिस्टर ये था वो वर्क कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर उन्हें कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया मार्केट उन्होंने सारी फाइलें खोल रखी थी एक ऐसी सिचुएशन में वो कंप्यूटर को कर कर चले गए बाद में दोबारा कुछ टाइम बाद आए और उस स्टेज में उन्होंने कंप्यूटर को खोला तो जो फाइलें थी उनकी सारी एज इट इज़ ओपन हो गई मतलब जहाँ से कर कर बंद गए थे वहीं से स्टार्ट हो गया तो ये होता है हाईवरनेशन ठीक है हाईवरनेट आपने देखा होगा हाईवरनेशन मोड हाईवरनेट तो हाइबरनेट मोड आपका यही करता है कि जहाँ से आप कंप्यूटर पर काम कर रहे थे वहीं से आप दोबारा काम करोगे ठीक है ये आपकी जो फाइल्स वगैरह है इन सबको सेव कर देता है उसी मोड में हाइबरनेशन मोड इज़ अ फंक्शन दैट सेव्स पावर एंड सेव्स योर ओपन डॉक्यूमेंट टू योर हार्ड डिस्क ठीक है दैट मीन्स वैन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर यू फाइंड एट द सेम वर्किंग स्टेज ठीक है जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे आप वहाँ पर काम करोगे तो ये कई बार पूछा जाता है यहाँ पर क्या कहा क्या है कि विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ यूज टू परफॉर्म द न्यूमेरिकल एंड स्टेटिकल कैलकुलेशंस ठीक है मतलब वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो न्यूमेरिकल और स्टेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली तो स्प्रेड सीट आपने देखा कि एक्सेल वगैरह पर हम इन सारी चीज़ों की जो गणना होती है उसको हम करते हैं ठीक है न्यूमेरिकल और इस्टेटिकल टेबल वगैरह फॉर्मेट में बनाकर ठीक है तो ये आपका होगा स्प्रेड ठीक है इज़ द राइट आंसर है यहाँ पर कहा गया है कि डिवाइस ऑन एन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद डिवाइसेस ऑन एनअर नेटवर्क बाया ये कहा गया है कि एक नेटवर्क पर डिवाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा के माध्यम से दूसरे नेटवर्क पर डिवाइस के साथ संचार करता है ठीक है दोस्तों ये करता है कौन गेटवे ठीक है देखो गेटवे क्या करता है आ, नेटवर्क so the devices on टू can सो द the कैन कम्युनिकेट another नेटवर्क ठीक है बेगर गेटवे के आप जो है ये काम नहीं कर पाओगे तो राइट right आंसर यहां पर क्या होगा ये आपका होगा गेटवे ठीक है यहां पर कहा गया है कि which among द फॉलोइंग कैरी सिग्नल दैट कंट्रोल द actions ऑफ द कंप्यूटर ये दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संकेत देता है जो कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज़ हैं जो सिग्नल्स हैं इन सबको कंट्रोल करता है कंप्यूटर एक्शंस के लिए ठीक है तो ये कौन करता है ये करता है कंट्रोल बस ठीक है अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ कंट्रोल बस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम बस दैट इज़ यूज बाय द सी फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइस विद इन द कंप्यूटर ठीक है तो ये चीज़ आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसमें कहा गया है द फ्रेज डिस्क्राइब्स बारसिस वॉम्स ट्रोजन हार्स अटैक एप्लेट्स एंड अटैक स्केप ठीक है मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें से जो वायरस हो गया बॉम्ब्स हो गए ट्रॉजन हॉर्स अटैक एप्लेट्स और जो अटैक स्क्रिप्स हैं इन सबको कौन दर्शाता है तो इन चीज़ें दोस्तों सारे किस श्रेणी में आते आते हैं मालवेयर की श्रेणी में ठीक है ये जितने भी हैं वायरस मालवेयर है बॉम्ब्स ट्रॉजन हॉर्स जो आप दिखता है ना कभी कभी कि ट्रॉजन हॉर्स डिटेक्टेड आपकी फाइल को इन्फेक्टेड कर रहा है ये वायरस है तो ये सब चीज़ें हमारी आएंगी मालवेयर के अंतर्गत इन सबको डिफाइन किया गया है अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है देखो कीबोर्ड जॉयस्टिक कीबोर्ड आपने देखा है कि डायरेक्टली आप इनपुट देते हो जॉयस्टिक जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो जॉयस्टिक से भी आप कंट्रोल करते हो इनपुट देने का ही काम है स्कैनर ऑब्वियसली प्लॉटर और लाइटिंग पे ठीक है देखो जो प्लॉटर होता है ना ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा स्कैन भी एक तरीके का आपने देखा है ना कि ये आपका मेन स्कैनर है और ये इसके ऊपर का ढक्कन है तो जब आप इस पर कोई डॉक्यूमेंट रखते हो और इससे कवर कर देते हो तो जो इसमें स्कैन लिखा होता है वो एज इट इज़ आपके सिस्टम में इनपुट जा रहा है ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि स्कैनर भी है जो एस्टिक भी कीबोर्ड भी है और लाइट पेन लाइट पेन क्या होता है डिस्प्ले वगैरह पर लिखने के लिए हमारा यूज़ होता है ठीक है तो ये आपका लाइट पेन तो ये सारे इनपुट्स हैं और प्लॉटर जो है वो आपकी एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू प्रिंट पोस्टर डॉक्यूमेंट यूजिंग मल्टी कलर्ड पेन ठीक है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें कहा गया है कि टप्पल क्या है देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जामिनेशन में आता है आपने जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आपने जो रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा होगा वहाँ पर इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं देखो एक टेबल बनी है ठीक है टेबल में रो कॉलम्स हैं ठीक है थीके? तो हमसे पूछ रहा है कि एक टपल जो है वो क्या होता है टपल क्या होता है दोस्तों आपकी रो एक किसी भी टेबल में पूरी रो होती है ठीक है तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे इस तरीके से ये वाली चीज ये आपकी क्या है टपल है ठीक है ये आपसे यहाँ आप पर पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा रो ऑफ अ टेबल दैट इज कॉल्ड द टपल टेबल क्या होती है इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रिलेशन आर सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स द फॉर्मेट स्टोर द रिलेशन अमंग एंटिटीज अ टेबल हैज रोज एंड कॉलम टपल के बारे में लिखा है अ सिंगल रो ऑफ टेबल विच कंटेंस अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ टपल देखो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे देखो कि कोई कैंडिडेट जो है चिंटू है ठीक है अब दूसरा कैंडिडेट जो है वो मॉन्टू है तीसरा कैंडिडेट कोई और है तो इनका पूरा पूरा रिकॉर्ड अगर मैं एक रो की बात करूंगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों टपल ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो सबसे पहला कंप्यूटर माउस है ये किसने बनाया था ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ये बनाया था डॉगलस एंगलवॉर्ट ने ठीक है ये आप सभी को बताना चाहिए कि 1960 में इसको इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया था लिखा है द कम्प्यूटर माउस बिगेन डेवलपिंग इन 1960 सिक्सटी वाइल्ड इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स इट वॉज कम्पलीटेड नाइनटीन सिक्सटी में इसको इनके द्वारा कम्प्लीट किया गया ठीक है तब क्या होना चाहिए था एक वुडन सेल था सर्किट बोर्ड था और टू मेटल व्हील्स थे आज तो ऑप्टिकल माउस यूज़ हो रहे हैं ठीक है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपने देखा आपने माउस को जब टेबल पे रखते हो तो वो काम करता है जैसे आप उसको ऊपर उठाओगे उसकी लाइट बंद हो जाएगी फिर आप उसके सामने सेंसर लेकर जाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइट स्टार्ट हो जाएगी मतलब वो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है और जब आप उनको मूव करोगे तो वो बाकी आइडल बैठे रहेंगे लेकिन जब मूव करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ठीक है तो ये चीजें भी हैं थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए बाकी आप लोग आर आर बी पी लिए प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस मॉक में क्लरिकल आर आर दोनों के मॉक हैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर साइनअप करो और अपने मेन्स के लिए अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर इनको इंजॉय करो सो थैंक यू गैस हैव अ गुड डेड ऑल ऑफ यू बन सग वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और एक पार्ट मैं और लेकर आऊँगा वो बहुत जल्द कल आ जाएगा सो so, दैट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना